ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभु। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आत्मानुशासन। मुख्य रूप से दो तरह के शासन होते हैं। भीतरी जगत के शासन को कहते हैं आत्मानुशासन, और बाहरी जगत जो हमारी पांच इंद्रियों से दिखाई देता है उसके उस शासन को कहते हैं मनोनुशासनम, यानी शरीर का शासन। मन है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, जो तन को चलाने वाला मन है। मन जो है वो अनुगामी रहता है और तन है उसके पीछे चलने वाला होता है। इसीलिए मनोनुशासनम और आत्मानुशासनम दो तरह के शासन हो गए, यानी भीतरी जगत, बाहर का जगत, यानी भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, यानी व्यवहार का जगत, निश्चय का जगत। इन दोनों जगत में हम जीते हैं। किसी भी जगत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो हमारा मनोनुशासनम है, जो हमारा व्यवहार जगत है, वह परिणाम है। ये चीज समझनी चाहिए, वो हमारा परिणाम है। और हमारा जो आत्मानुशासन है वह हमारा, उसमें हम स्वतंत्र हैं। और जो हमारा परिणाम है उसमें हम प्रतंत्र हैं। ये दो चीजें हमें मुख्य तौर से समझनी पड़ेगी कि एक में तो स्वतंत्रता है और एक में प्रतंत्रता है। और ये जो हमारा मनोनुशासनम है, यानी अज्ञा है, ये जो हमारा बाहर का जगत है, ये हमारा ही क्रिएशन है, किसी दूसरे का क्रिएशन नहीं है। हमने पूर्व जन्म में जैसी जैसी प्रतिष्ठा की, जैसे जैसे भाव डाले, जैसे जैसे कॉजेज डाले, उसी का इफेक्ट हमारे को इस जन्म में एग्जैक्टली मिल रहा है। उसमें कोई भी फेर बदल नहीं होता है, मात्र भाव कर्म का द्रव्य कर्म में कन्वर्शन होता है। क्योंकि भाव कर्म है वह चेतना की सत्ता है और द्रव्य कर्म है वह पुद्गलों की सत्ता है। तो इसीलिए, और चार्जिंग है वो भावों से होती है, डिस्चार्ज होती है वो द्रव्य से होती है। तो इसलिए द्रव्य और भाव ये दो क्षेत्र बन गए कि एक परिणाम और एक हमारा, कहना चाहिए हमारी, जिसमें स्वतंत्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कह सकते हैं। कैसा पुरुषार्थ? रियल पुरुषार्थ, यानी आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। इस बात को समझ लीजिए कि जितना जितना हम आत्मा के करीब रहते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के नाम की माला फेरते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, आत्मा से आशीर्वाद लेते हैं, आत्मा के चरणों में रहते हैं, आत्मा के धोक लगाते हैं, आत्मा को अपना प्रभु परमात्मा मान करके सारा दिशा निर्देश, सारी शक्ति उससे प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा समय का पूरा यूटिलाइजेशन है, वो सारा रियल पुरुषार्थ है। और जितना हम जो है, हमारा जो ये संसार का जगत है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। क्योंकि ये हम भोगते हैं, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा उदय और प्रारब्ध है। जो उदय और प्रारब्ध होता है
वो परिणाम कहलाता है, उसमें स्वतंत्रता नहीं होती है, वो तो नियत होता है। इसीलिए सनातन सत्य कार्यक्रम के दो बड़े सिद्धांत बन गए। बाहरी जगत का सिद्धांत यह है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वह व्यवस्थित है। यानी अवस्था नाम आ गया तो अवस्था तो आने वाली जाने वाली होती है, अवस्था के साथ में पर्याय लगा रहता है, उसके साथ उत्पाद और व्यय लगा रहता है और हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है। अवस्था को जो संचालन करने वाली कुदरत होती है, कुदरत कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, कुदरत को प्रकृति कहते हैं। कुदरत स्वयं जड़ है, जड़ है, जड़ का संचालन करती है और वह जो है उदय और प्रारब्ध का जितना भी जन्म से मृत्यु तक का जो मालिक है, कंट्रोलर है और क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत है। यानी हम कुदरत के ताबे रहते हैं, हम नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो बर्थ प्लेसेज है और संख्या के अंदर वो असंख्य अनंत है, सारे इस कुदरत के ताबे रहते हैं। कुदरत सुप्रीम है, इसीलिए हमको कुदरत का सफरर मानना चाहिए, कुदरत का कर्ता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कर्ता तो कुदरत स्वयं है। उसने किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की कोई न तो पावर दी है, न पावर ऑफ द अटॉर्नी दी है, व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वह कुदरत स्वयं है। वो अपने घटकों जो है काल स्वभाव, कर्म पुरुषार्थ नियति और द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, इन पांचों संवाय जो इसके वर्किंग फील्ड है, जो इसके वर्किंग सहयोगी है, उसके सहारे से कुदरत काम करती है। और कुदरत की ड्यूटी एक ही है कि जैसा आपका उपादान है, जैसा आपका उदय और प्रारब्ध है, वैसा संजोग लाके खड़ा कर देती है। बस यही कुदरत का काम है। कुदरत उसमें कोई पक्षपात नहीं करती है, इसीलिए हुआ सो न्याय। कुदरत जो हमेशा 100% न्याय करती है, हमारे जो ये बाहरी जगत के न्यायालय है, उन न्यायालयों में तो गलती होनी स्वाभाविक है, क्योंकि वो न्यायाधीश, वकील, साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, कईयों के आधार पर वो न्याय दिया जाता है और वो न्याय देने वाला भी मनुष्य है। गलती होना संभव है, नहीं गलती होती अच्छी बात है, लेकिन कुदरत का तो न्याय परफेक्ट है और उसके अंदर कोई भी कमी रहने की, गड़बड़ होने का चांस बिल्कुल है ही नहीं है। कुदरत तो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का भरण पोषण करती है, पालती है, तो उसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो देखिए आज का विषय आत्मानुशासन, यानी भीतर का जगत। तो हमें भीतर के जगत के गोते ज़्यादा लगाने हैं, हमको ये देखना है कि भीतर कैसे जाए। बाहर तो 5 इंद्रियां जो खुली आँखें हैं, उनसे जो हम देखते हैं, आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, चमड़ी से हम स्पर्श करते हैं और नाक से हम सूंघते हैं, तो इन 5 इंद्रियों से जो कोई भी हम जो है विषय ग्रहण करते हैं, वो सारा बाहर का जगत है और बाहर के जगत के अनुरूप ही जो है हमारा उदय और प्रारब्ध चलता है। तो ये तो बाहर के जगत की है, आज का विषय तो भीतरी जगत का है। और भीतरी जगत को समझने के लिए बाहर का जगत जरूरी है, क्योंकि एक नियम है कि रहो भीतर जियो बाहर। आपको बाहर जीना पड़ेगा, भीतर रहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति तो यही कहता है कि मैं तो केवल भीतर रहूँगा, नहीं रह सकता, क्योंकि बाहर उसकी लायबिलिटी है, बाहर उसका किया हुआ कर्म है, वो उसको भोगना ही पड़ेगा। राजा राम का अभिषेक, राज्याभिषेक होने वाला था अर्ली इन द मॉर्निंग में, परंतु रात ही रात के अंदर केकई ने जो है
दो वर मांग लिए दशरथ से मंथरा की राय से, तो एकदम काया पलट हो गया। दो वर मांगे कि एक तो मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले और राम को 14 साल का वनवास मिले, तो देखिए ये भोगना पड़ा। जब भगवान राम को भोगना पड़ा, कृष्ण को भी भोगना पड़ा। कृष्ण को कितनी इंसल्ट हुई, वो शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास गए, यानी धृतराष्ट्र की सभा में गए, क्योंकि वो युद्ध को रोकना चाहते थे कि लड़ाई में लड्डू नहीं बनते हैं, युद्ध में धन और जन की हानि होगी तो और बहुत बड़ा नुकसान होगा। रोकने के लिए उन्होंने शांति दूत रूप में धृतराष्ट्र के राज्य में गए और कहा कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो तो उसके अंदर ही वो सेटिस्फाइड संतुष्ट हो जाएंगे। पर दुर्योधन हठी था और वो क्रोधी था, वो एम्बिशियस था, तो उसने तो कहा कि 5 गांव तो क्या, एक सूर्य की अणि जितना भी भूमि का टुकड़ा मैं उनको नहीं दूंगा। तो या ये क्यों हुआ, क्योंकि ये नियति थी कि महाभारत रचा जाने वाला था, अधर्म पे धर्म की विजय होने वाली थी, अवश्यंभावी था। तो वह जो है वो जो भगवान कृष्ण को जो जो है इंसल्ट की गई, बंदी बनाया गया और छलिया कहा गया, तो इस तरीके से उन्होंने इंसल्ट सहन करी। भगवान होते हुए भी इंसल्ट को सहन करना पड़ा, क्योंकि ये नियति थी, क्योंकि ये उनका प्रारब्ध और उदय था। वो महावीर ने कितना प्रारब्ध और उदय जो है सहन किया, 12.5 वर्ष की जो तपस्या थी उनकी छद्मस्त की, उसमें उनको कितने कितने बड़े बड़े कष्ट हुए कि ग्वालों ने कीले ठोके, ग्वालों ने जो है दोनों पैर जो ध्यानस्थ थे भगवान, दोनों पैर को जो अंगीठी बना करके खीर पकाई गई, और संगम देवता ने एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। चंड को से एक सर्प ने डस लिया, उनको बंदी बना के सूली पर 7 बार चढ़ाया गया, हर बार सूली टूटती रही। तो इस तरीके से कष्टों का कोई पार नहीं था। ये भगवान बनने वाले थे, फिर भी उन्होंने इतने कष्ट सहन करे, क्योंकि उनको कर्म खपाने थे और कर्म खपाने के लिए संभाव की आवश्यकता होती है, संवर की आवश्यकता होती है। उनके कर्म खपे और वो तीर्थंकर बने, केवली बने। तो हम ये कहना चाहते हैं, भीतरी जगत की बात है, भीतर में जाने के लिए रास्ता आपको बताते हैं कि हमारे दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है, जिसको कि जो हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ये भीतर जाने का रास्ता है। और भीतर जाकर के हम प्रभु का साम्राज्य देखते हैं, तो क्योंकि भीतर जाना आत्मानुशासन है, आत्मा से संबंध होना, संबद्ध होना, वो आत्मानुशासन है। शरीर से संबद्ध होना वो हमारी अज्ञा है, और मन से संबंध होना वो मनोनुशासनम है। तो आत्मानुशासन में हम भीतर गए, तो भीतर हमने देखा कि वहाँ केवल वाइब्रेशंस का जगत है, और उसके अंदर जो शुभ और अशुभ भाव की लेशियाएँ चल रही है, तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, और जिसके मन में अशुभ भाव आ रहे हैं उसके कृष्ण नील कापोत लेशिया चल रही है, हमारे शुभ लेशिया चल रही है, क्योंकि प्रभु की भक्ति में हम लीन हो रहे हैं। तो भीतरी जगत के दर्शन करना, भीतर के अंदर गोते लगाना, भीतर में रहना, भीतर की बात करना, ये सारा आत्मानुशासन है। और हम जब आत्मानुशासन सीख लेते हैं तो हमारे में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। दुनिया में जिसके पास आत्मविश्वास है उसके पास सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मविश्वास क्या है, यह काम मैं कर सकता हूँ, यह काम मैं कर लूँगा, हर हालत में कर लूँगा, जैसी भी परिस्थिति आए मैं इस काम में विफल नहीं होऊंगा, मैं इसको करके छोड़ूंगा, और मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ। जब आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है तो आप जो कार्य ठान लेते हो वह कार्य जो है
कर ही डालते हो, और एक नियम भी है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्स। जब आपने ऐसा संकल्प किया कि मुझे ये कार्य करना है, तो ईश्वर की शक्ति कहिए, ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, वह आपके सपोर्ट में हो जाता है, वह आपके साथ में हो जाता है। जब ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है आपको, परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, और हम आनंदित जीवन जी सकते हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखरा हुआ मिलेगा, हमारे जीवन के अंदर कभी भी उदासी नहीं आएगी, और हम शांत होकर के अपना कार्य है बड़े आराम से कर सकेंगे। तो आत्मानुशासन का अर्थ होता है भीतरी जगत के गोते लगाना। हम जन्म जन्मांतर से बाहरी जगत के गोते लगाते आ रहे हैं, इसीलिए हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होता है, तब हम ब्लिस को, परमानेंट सुख को, हम आत्मा को, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु और ज्ञानी की आवश्यकता होती है, ज्ञानी की कृपा से ही ज्ञान मिलता है। और अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, वेर देर इज ए विल देर इज ए वे, जब हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो संकल्प पूर्वक वो कार्य निश्चित रूप में पार होता है। तो हमने ये संकल्प किया कि मुझे तो प्रभु के दर्शन करने ही हैं, और प्रभु की शिक्षा के अनुरूप ही मुझे चलना है, तो निश्चित तौर पे आपको अपने दर्शन हो जाएंगे। ये तो एहसास का विषय है, ये विषय जो है वो जो अनुभव का विषय है। आत्मा को हाथ पर दिखाया नहीं जा सकता है, आत्मा को तो अनुभूत किया जाता है। मैं आपसे कुछ 5-7-10 प्रश्न करूंगा, तब आपके समझ में आएगा कि वास्तव में मैं मन वचन काय से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। देखिए, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप उत्तर देते रहिए। क्या मुर्दा बोल सकता है? नहीं। क्या मुर्दा खा सकता है? नहीं। क्या मुर्दा कोई भी कार्य कर सकता है? नहीं। क्या मुर्दा कमा सकता है? नहीं। क्या मुर्दा मन वचन काय की कोई गतिविधि कर सकता है? नहीं। क्या मुर्दा हलन चलन कर सकता है? नहीं। यानी मुर्दा नहीं कर सकता, और तो वो तो मिट्टी है, तो फिर कौन कर सकता? हम करते हैं ना, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, कमाते हैं, सब काम करते हैं, जितना जैसा जैसा हमारा उदय और प्रारब्ध था, हम ऑटो मोड से करते रहते हैं। तो उसका कारण क्या है कि जो है हमारा जो काम हम करते हैं, वो हमारा जो कहना चाहिए व्यवहार पक्ष है, और हम जो है इसको पीछे से लेकर, और कुल मिलाकर के वह जो है आत्मा की हाजिरी से करते हैं। आत्मा की हाजिरी नहीं है तो सब बात करनी व्यर्थ है, और एक आत्मा की हाजिरी है तो चाहे आप कितना ही लंबा चौड़ा कार्य की रूपरेखा बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ, माइलस्टोन लगाओ, तो आपका सब काम सफल हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। जो सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मा है, वो आपके साथ है। वो आप स्वयं हो तो फिर आपको दूसरी शक्ति की जरूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति और एक सारे ब्रह्मांड का संचालन करती है, इससे बड़ी शक्ति कौन हो सकती है? तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्मानुशासन का जो मूल अर्थ होता है कि आत्मा का विवेचन करना, आत्मा के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, आत्मा के साथ में हमारा संपर्क होना। जितना जितना हमने आत्मा से ज्ञान लेके, यानी पुरुष की कृपा से कार्य किया होगा, त्यों त्यों हमारे आत्मा के सब कार्य जो है पूरे होने लग जाएंगे। और देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा व्यवहार जगत है, वो व्यवहार जगत तो ऑटो मोड से अपने आप चल रहा है, तो
तो उसमें आपको न तो कोई छेड़छाड़ करनी है, न छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि करेक्शन होता नहीं है। तो उसको साथ तन्मयकार मत हो, उसको तो आप मध्यस्थता की भाव से खाली देखते रहो, जानते रहो, ये देखते रहो, जानते रहो। ये विषय जो है वो चेतना का विषय है, और चेतना जो है अपने बलबूते पर किसी को देखती है, किसी को जानती है, और यही करती रहती है। तो आत्मानुशासन को प्राप्त करने के लिए हमें भीतरी जगत के अंदर मेडिटेशन वगैरह भी करने होते हैं। मेडिटेशन जो है दो तरह के होते हैं, एक तो सालंबन और एक निरालंबन, यानी जो है हम ज्योति केंद्र के ऊपर ध्यान करें तो हमारे इष्ट का, भगवान का, किसी की मूर्ति का जो है हम आलंबन देखे, राम की मूर्ति, बालाजी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति और महावीर भगवान की मूर्ति, 24 तीर्थंकरों की मूर्ति, वह मूर्ति रख करके आलंब सहित जो है हम उसके गुणों को याद करते हैं, गुणों की भजना करते हैं, माला फेरते हैं, तो हमको जो है धीरे धीरे हमारा कषाय है वो पतला पड़ता जाता है, कषाय सूखता रहता है, ये मुख्य परिणाम जो होता रहता है। और साथ साथ के अंदर वह जो हमारा जो विषय है वो भी वहाँ एकत्रित हो जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि आत्मानुशासन करने के लिए और हमें भीतरी जगत में गोते लगाने पड़ेंगे। भीतरी जगत में जितना जितना गहरे गोते लगाओगे उतना उतना आपको अपना खुद का अनुभव हो जाएगा, और खुद का अनुभव हो गया मतलब आप जब स्वभाव में रमण करने लग गए तो इसका अर्थ ये है कि आपका पुरुषार्थ है वो पूरा हो गया। क्योंकि स्वभाव में रमण करने के लिए करना कुछ नहीं होता है, आपको मात्र एहसास करना होता है कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी कि हमारे रोम रोम में आत्मा की अनुभूति होती है। इस शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं, तो हर कोशिका एक अपने आप में पावर हाउस है, तो उस कोशिका के भीतर जो है ये अनुभूति आनी चाहिए, वो अनुभव से लीन होनी चाहिए कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुक्त की बात क्यों कही है कि मन वचन काया तीनों ही पौद्गलिक है, तीनों ही विनाश होने वाले हैं, तीनों ही अवस्था है, और हर अवस्था के साथ के अंदर संयोग जुड़ा हुआ होता है। विनाशी कहते हम तो ये विनाश होने वाली है, जो चीज़ विनाश होने वाली है उसकी ज़्यादा बात करने से क्या होगा, हम उसको टिका तो सकते नहीं हैं, लेकिन जो अविनाशी है, जो सच्चिदानंद है, जो सच्चिदानंद का अर्थ हो गया सत चित्त और आनंद, वह जो है सत मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसकी अनुभूति है, उसका लक्षण है, और वह आनंदित करती है। तो जब हम इसको पा लेते हैं, जब हमारे पूरा 100% हमारे इस अनुभव के अंदर यह चीज़ आ जाती है, तो अनुभव में आने के बाद में हमको खुद को बदलना, औरों को बदलना बहुत निश्चित हो जाता है। तो हमारा जो विषय जो आत्मानुशासन है वो स्वयं की पहचान करने का विषय है, स्वयं की खोज करने का विषय है, और दुनिया में सबसे कठिन कार्य स्वयं की खोज करना होता है, और सबसे उपयोगी कार्य स्वयं की खोज करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मुक्ति को कौन जाएगा, शाश्वत सुख को कौन प्राप्त करेगा, शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला तत्व आत्मा है, उसका अनुशासन जो है हमें गंतव्य की ओर ले जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी भाई भाई का व्यवहार करके और आनंद के साथ जीवन जिए। आपके प्रति मंगल भावना।